देखते बर्तमान आम प्रेस क्लब सामने अच्छे अर्णव गोस्वामी को आरेस्ट को लेकिन सीधा सड़क प्रतिवाद कर रही है आम सहित अच्छा सीधा कथा हवा मैम जिस तरह से अरेस्ट हुआ है सारे प्रदेश में बंगाल से लेकर ओडिशा तक ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को अटक होता है ये जिस तरह से अरेस्ट हुआ है उनको समन करना चाहिए था उनको वो एक प्रेस्टिजियस आदमी थे हम लोग ये जो है ये पत्रकारिता के ऊपर बहुत बड़ा हमला है इस तरह से बदले की कार्रवाई आप मुझे बताइए पालघड़ से पहले अर्णव पे केस क्यों नहीं हुए जब पालघड़ पर आवाज उठाई तब अर्णव के खिलाफ केस क्यों किया गया तो ये तो हर जर्नलिस्ट को समझना पड़ेगा कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी इसलिए सबको खुलकर आगे आना होगा ये एक असर पड़ सकता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभी सरकार को इसके खिलाफ कोई बड़ा कानून लेकर आना होगा नहीं तो हम लोग सब इसके घेरे में आते रहेंगे अपन सुनते निश्चित भाव से सीधा सड़क जो आक्रोश देखे देखे मिलूँ सीधा सड़क से चाहूँ जे गोटे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन आक्ट बनू जो आक्ट रे सीधा सड़क समस्त को प्रोटेक्शन मिले अपन देखिए किभली भाव भिड़ रोचे जो जातीय गणमाध्यम जो प्रतिनिधि रही सीधा सड़क एठाक आसी निजर प्रतिवाद जन तो सीधा आहरी कि प्रतिक्रिया नवा किसलिए आप यहाँ पे रास्ते पे उतरे देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो इस देश की प्रेस के खिलाफ है इस देश के प्रेस को दबाने का एक षड्यंत्र है ये आपातकाल की याद ताजा कर रहा है महाराष्ट्र सरकार उद्धव सोनिया सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है इसके खिलाफ सारे पत्रकार सड़कों पर उतरे हैं और आगे जरूरत पड़ेगी तब भी हम इसका विरोध करेंगे ये तरीका ठीक नहीं है सरकार का यह अलोकतांत्रिक है ये सर कौन सी प्रदेश से पत्रकार जुड़े हैं देखिए यहाँ पर अलग अलग मीडिया संस्थानों के लोग हैं अलग अलग मीडिया संस्थानों के लोग हैं और हम लोग स्वतः उतरे हैं सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि ऐसे देश में पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है लेकिन आप बगैर जांच के बगैर किसी को नोटिस से गिरफ्तार कर लेंगे ये क्या अंधेर गिरती है क्या ये तानाशाही शासन है उद्धव का बहुत सारी केसेस भी और दूसरे स्टेट में भी आ रहा है जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनके बारे में बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात को कहता हूँ ये एक केस अर्णव का नहीं है अर्णव मैं इसलिए अर्णव की बात कह रहा हूँ कि इतने बड़े संपादक को अगर आप रातों रात गिरफ्तार कर लेते हैं तो उन राज्यों में चाहे उत्तराखंड की बात हो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे पंजाब की बात हो इन राज्यों में जो छोटे छोटे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है इस देश में माहौल कैसा बनाया जा रहा है यह महाराष्ट्र सरकार के जो तरीके हैं उसके कारण देश में पत्रकारिता का माहौल खराब हो रहा है और ये अलोकतांत्रिक है इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देखो निश्चित भाव से लिखी प्रेस प्रहार प्रेस पर प्रहार लोकतंत्र पर हमला एभली गोटे नारा दे कौटना कौटी जो जर्नलिस्ट मान रोचान सांबादिक मान रोचान से माने अनेक गुड़िए घात प्रतिघात को खातिर न करके रिपोर्टिंग किंतु अनेक समय देखा जाने कौटना कौटी गोटे आक्रमण होनेक राज्यर उदाहरण से ने उत्तराखंड ठार आरंभ करी ओडिशा उत्तर प्रदेश पर्यंत एभली भाव जो घटना बारंबार घटू तेणु या को लेकिन कौटना कौटी से दृढ़ विरोध करेणु ये गोटे मेसेज से दवापी चाहूँ जे आम से जर्नालीस्ट मान सहित अच्छू आम से संपादक मान सहित अच्छू आम से रिपोर्टर मान सहित अच्छू जो मैंने कि फिल्ड में काम कर जो मान सरकार निज दोष दुर्बलता को लुचापी आक्रोश प्रतिकार से आक्रोश करके आक्रमण कर सीधा चित्र देखापी चाहिए आप देखिपे प्रेस क्लब अफ इंडिया प्रेस क्लब अफ इंडिया ठीक सामने एम राजस्ता को आसी अनेक समय अनेक जिते बड़े कौन सी मीडिया कर्मी आक्रमण हुए से एभली प्रतिवाद करती तेनालीर प्रतिवादर मूल लक्ष्य हो जो घटन गिरफ्त कर पूर्वर कहीं समन करा नोटिस दे पारि था जवाब मागि पारि था जितेबाड़ घटना है जो पालघर घटना है जितेबाला से रिपोर्टिंग करते अनेक दोष दुर्बलता को सामना को आसते से कौन से आक्शन निगला ना तेनाली यार कौन इंपैक्ट पड़ू महाराष्ट्र सरकार आगामी दिन में स्पष्ट हो नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन नीरज कशेद गगन अर्गस न्यूज।